क्या था, न्यूज़पेपर्स उठाए थे सबसे पहले। तो कॉलेज जाती थी, बस में एक न्यूज़पेपर शुरू में आधा, आते टाइम आधा, ऐसे कहती, क्योंकि कॉलेज के साथ मैंने प्रिपरेशन किया तो टाइम एकदम है ना पूरे दिन का भी मुझे कम मिला। तो मैंने कोशिश की कि जहाँ भी ट्रैवल जैसे कर रहे हैं, हम कई बार ईयरफोन्स लगा लेते हैं तो आप पढ़ने लगे हैं तो ईयरफोन्स की जगह पे न्यूज़पेपर निकाल लीजिए, ऐसा थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिए, अपना एनवायरनमेंट चेंज कीजिए पढ़ाई का। ह्यूमैनिटीज़ को स्पेसिफिक लेके जो क्वेश्चन है कि हाँ बोरियत आएगी, मैं भी हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते सो जाती थी, और ज्योग्राफी तो आप पूछो ही मत कैसे मैंने पढ़ा है, तो ठीक है, तो ऐसा होगा आपके साथ भी। बट न्यूज़पेपर से शुरू करो, वो चीज़ें आपको इंटरेस्ट दिलाती हैं, ठीक है। जैसे कोई चीज़ आप पढ़ते हो कि ये जो है ना है, आज जैसे आज कौन सा डे है बताइए आप मुझे, हाँ आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है, राइट। तो आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पे आप यूनेस्को की वेबसाइट पे जाओ, या जो भी यूनाइटेड नेशंस इसको मना रहा है उसकी वेबसाइट पे आप चले जाओ, आज उनके उसमें आपको देखो कि अलग अलग फोटोग्राफ्स, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, सो यू कैन लर्न द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आज ही, समझ रहे हो। अपने आप को आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल कि बुक खोल के बैठे तो इसको ही कवर करना है। इंटरनेट से हेल्प लो, इंटरनेट बहुत मुझे भी हेल्प किया, बहुत ज़्यादा उससे भी मैंने थोड़ी वैरायटी आ जाती है उससे। तो ऐसे अलग अलग सोर्सेज से पढ़ाई करो, और जैसे अगर हिस्ट्री बोरिंग लग रही है तो कभी उसके साथ कोई और ऐसा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना लो जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है ना। तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, कभी एक चॉकलेट खा लो रात को, पढ़ाई अच्छी कर ली हो तो, किसी को आइसक्रीम पसंद है वो खा लो। देखो मैं कह रही हूँ ना, अपने सबको सब बोरियत होता है यार, इतनी पढ़ाई अपन को नहीं जमती है, बट कर लेते हैं ना, तो सच को अपने दिल को भी थोड़ा ट्रिक करो, है ना। तो बोरियत तो होगी, बट वी हैव टू मैनेज एनी हाउ। जो ऑनलाइन आर्टिकल्स आते हैं, जैसे लाइव मिंट, राइट, लाइव मिंट पर काफ़ी आर्टिकल्स आते हैं, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च आपने सुना होगा, वहाँ पर आर्टिकल्स आते हैं, तो वो आप पढ़िए। इंटरव्यू में ये रहता है, थोड़ा सा ओपिनियन आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि एक ही ओपिनियन पढ़ेंगे तो उनके सामने मल्टी डिमेंशनल आंसर नहीं बता पाएंगे, इसलिए फिर मैंने आफ्टर इंटरव्यू कॉल फिर मैंने दूसरा पेपर उठाया, बाकी तो एक भी ख़त्म नहीं होता यार पूरा, दूसरा कैसे पढ़ेंगे, है ना। लास्ट मैं कहूँगी 15-20 डेज में आप 1 mock पर डे ऐसा करके, और थोड़ा उसी टाइम में, जैसे पेपर कब है, एडमिट कार्ड आ जाएगा तो पेपर का टाइम पता चल जाएगा, राइट, 9 से 11 है क्या है, तो उसी टाइम में बैठ करके, यहाँ पे बॉटल रखी, यहाँ पे वॉच रखी, वैसे ही टाइम में अपने आप को बैठ के प्रैक्टिस करवाओ, ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत होने वाली है 2 जून को, तो अपने आप को उस एनवायरनमेंट में भी ढालना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से कर सकते हो, कभी 1 mock पर डे, नहीं तो 50 questions पर डे, या तो मिक्स लगा लिया कभी, या कभी लग रहा है कि आज मुझे एनवायरनमेंट का रिविजन करना है तो एनवायरनमेंट के 50 सवाल लगा लिए, ऐसा, इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू कि आपकी नीड क्या है, आपको नीड पहले अपनी खुद की पहचाननी है ना। जर्नी से मुझे ये लगा व्हेन आई वाज इनटू द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन कि UPSC आपको कोई बायस नहीं रखता है। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, PET आया PET गया, PMT आया PMT गया, पर UPSC की जो ऑथेंटिसिटी है, जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, वो आज तक मेंटेन है। आज तक जो बच्चे उसमें से सिलेक्ट होते हैं वो आज IAS ऑफिसर्स, IPS, ऑल इंडिया सर्विस, IRS में जाके सर्व कर रहे हैं, तो उस एग्जामिनेशन और उस इंस्टीट्यूशन की जो क्रेडिबिलिटी है वो बेहद हाई है, और वो इसलिए क्योंकि वो कोई बायस नहीं रखते हैं कि हिंदी माध्यम का बच्चा है या तेलुगु माध्यम में लिख रहा है तो उसको हम नहीं वो करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उस इंस्टीट्यूशन में कोई बायस है। अगर कोई कमी आ रही है जो मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से जैसे हम देखते हैं कि हिंदी माध्यम में जो छात्र दे रहे हैं उनका अगर रेशियो कम है, तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में शायद जो है ना मटेरियल का दिक्कत आ रहा है। आजकल इंग्लिश में इंटरनेट पे वेबसाइट्स हैं, सब इंग्लिश में रहती हैं, तो उनसे जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से थी तो मैं कोई भी वेबसाइट पे जो भी मटेरियल हो उसको मैं एक्सेस कर पा रही थी, पर शायद अगर कोई हिंदी माध्यम का छात्र है उसके लिए शायद मटेरियल की दिक्कत आ रही है। लेकिन मेरे ज्ञान में आया है कि कुछ कोचिंग्स ऐसी हैं या कुछ जैसे वेबसाइट्स हैं जो हिंदी में ही मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आपका माध्यम हिंदी हो तो ये मन में बिल्कुल ना सोचिए कि UPSC आपसे भेदभाव करेगा या उससे आपको कम मार्क्स देंगे। अगर आप में काबिलियत है, आप सही तरीके के आंसर्स लिखते हैं, जो पूछा है वो आप बताते हैं, तो आपको ज़रूर ज़रूर मार्क्स मिलेंगे। तो यू नो इतने टाइम में आप कुछ टेस्ट लगा चुके होंगे, तो उन टेस्ट को आप ये समझो कि वो नेचर ऑफ मिस्टेक जो आप कर रहे हैं वो क्या है। देखो गलतियाँ हम सब करते हैं, मेरे भी 90 मार्क्स ही आया करते थे ऐसे मॉक में इतने दिन पहले, 80, 90, 70, तो मुझे लगा ये 110 का आंकड़ा तो मैं पार नहीं कर पाऊँगी, ऐसा होगा।
तो लेकिन आपको क्या करना है, आपकी जो मिस्टेक कहाँ हो रही है उसको आप पकड़ो। अच्छा, मिस्टेक कैसे? नॉलेज का गैप है क्या कहीं? कोई चीज़ मैंने कि मुझे तीन में से एक आ रहा है फिर भी मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ और वो नेगेटिव हो जा रहा है, वो पकड़ो। कभी कभार हम सिली मिस्टेक कर देते हैं, ए का बी, बी का डी मार्क कर देते हैं, तो क्या ऐसी मिस्टेक है? अपने नेचर ऑफ मिस्टेक को एनालाइज करो। और अगर आपको ये लगता है, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा नॉलेज का गैप सामने आ रहा था कि दिस थिंग आई हैव नॉट स्टडीड, तो उस टाइम पे फिर मैंने पेपर लगाना कम कर दिया और थोड़ा अपने रीडिंग पे, स्टडी पे फिर से फोकस किया। ठीक है, तो आप स्टडी पे फिर से जाओ, जो आपका वीक एरिया है जहाँ आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं आप उसको फोकस करो।